अभिलाषी यूनिवर्सिटी के अभिलाषी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में BA MS के नए छात्रों के वेलकम के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। सेकेंड ईयर के छात्रों द्वारा धूमधाम से आयोजित फ्रेशर पार्टी में मेहर फिजा अंसारी को मिस फ्रेशर और शिवम को मिस्टर फ्रेशर चुना गया। कोमल मिस और शाहिद कुरैशी मिस्टर पर्सनैलिटी बने। सेकेंड ईयर के छात्रों द्वारा BA MS के नए छात्रों के वेलकम के लिए आयोजित इस फ्रेशर पार्टी के अवसर पर CCIM मेंबर डॉक्टर अशोक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कई मंचों से सम्मानित हो चुके देश की सबसे युवा प्रधान जीवाना चौहान ने कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर अशोक शर्मा ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में संस्थान चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन अभिलाषी ग्रुप की मैनेजमेंट ने 5 साल में प्रदेश के भीतर आयुर्वेदा का एक बहुत अच्छा शानदार और महत्वपूर्ण संस्थान खड़ा किया है। उन्होंने बेहतर सुविधाओं के लिए संस्थान चलाने के लिए अभिलाषी मैनेजमेंट की कंठ मुक्त प्रशंसा की। डॉक्टर अशोक शर्मा ने आयुर्वेदा को लेकर छात्रों का मार्गदर्शन भी किया। डॉक्टर अशोक शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 1100 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थाएं दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं और आयुर्वेदा का स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष योगदान है। उन्होंने बताया कि पिछले साल प्रदेश में आयुर्वेदा की OPD 52 लाख के करीब पहुंच चुकी है। साथ ही उन्होंने गौ संरक्षण पर भी बल दिया। और ये जो विदेशी गौएं हमारे देश में आई है, इनके दूध में दो विशेष रूप से केसोमार्फिन और बीटामार्फिन नाम के जो प्रोटीन है, आज के संदर्भ में 60% से ज्यादा बीमारियों के कारण ये दो प्रोटीन है। अगर इनसे बचना है और देश को बचाना है तो स्वदेशी गौएं हमें रखनी पड़ेंगी, पालनी पड़ेगी और उनका संवर्धन भी करना पड़ेगा। अब इनसे कैसे बचा जाए, सरकार की पॉलिसी है, सरकार गौ अभयारण्य भी बना रही है। जितनी ये आवारा गौ है उनको भी वहां इकट्ठा करेंगे और धीरे धीरे जो जर्सी है, सरकार की जो नीति है उसके अनुसार जब वो अपनी आयु के अंतिम चरण में होंगी तो उनको भी अभयारण्य में भेज के उनकी जगह गौशालाओं में भी देसी गौ में जो है वो रखेंगे और उनको बढ़ाएंगे। सरकार की पॉलिसी ये भी है कि हिमाचल में बाहर से देसी नस्ल की गौएं ला के हरियाणा पंजाब जहां से भी उपलब्ध है राजस्थान से यहाँ किसानों को वितरित करेंगे और उस पर सरकार ने कुछ 25,000 तक सब्सिडी भी एक एक गाय पे देने का जो है विचार किया है। तो बहुत अच्छा स्वार्थ योग्य कदम है ये और इससे व्यक्ति जो है वो निरोग भी रहेंगे, अन्न भी अच्छा मिलेगा, बिना यूरिये के मिलेगा, जमीन बंजर होने से बचेगी। तो बहुत से लाभ है इसके, तो मुख्य रूप से आज यही विषय जो था वो इस पे यहाँ चर्चा हुई है और हिमाचल सरकार के भी हम आभारी हैं जो इस दिशा में प्रयास कर रही है। प्रधान जवाना चौहान ने कहा कि आज देश के सामने नशा सबसे बड़ी चुनौती है और इसके खिलाफ हम सबको मिलकर मुहिम शुरू करनी होगी, तभी एक स्वच्छ भारत का निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ करना होगा, तभी हम स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अभिलाषी ग्रुप का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया, साथ ही यहाँ पर उपस्थित छात्रों और छात्राएं। मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उससे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, देश की बागडोर युवा ने ही संभालनी है। साथ में जो हमारे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है स्वच्छ भारत मिशन का, उसमें हम सबको स्वच्छता के साथ साथ हमें अपने मन और दिमाग को स्वच्छ रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने दिल और दिमाग को स्वच्छ रखना चाहिए, तभी हम एक स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं। अभिलाषी विश्वविद्यालय के सभा परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा द्वारा एक सत्य समारोह और स्वागत समारोह की व्यवस्था आज यहाँ की, जो कि प्रथम वर्ष में जिन बच्चों ने BAMS में दाखिला लिया उनके लिए, तो उस उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय डॉक्टर अशोक शर्मा जी, जो कि CCIM के मेंबर हैं,
और सीसीएम में ही रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। मैं इनका अभिलाषी विश्वविद्यालय की तरफ से और अभिलाषी शिक्षा समिति की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। साथ में इन्होंने बच्चों का जो मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से आज देश में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से किस प्रकार से लड़ा जाए और लोगों को कैसे बचाया जाए, उसके संदर्भ में इन्होंने जो विचार रखे उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं साथ में बच्चों को नशे जैसी जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से दूर रहने के लिए, समाज को संचेत करने के लिए जो हमारे युवा प्रधान जो कि प्रधान हैं, जिनको कि पूरे भारतवर्ष में मैं जाना पहचाना जाता है, जोगना चौहान जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी बच्चों को अच्छा संदेश दिया, बच्चे जाकर समाज के लिए अच्छा कार्य करें। और साथ में अभिलाषी विश्वविद्यालय के मैं जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा में जो बीएमएस के प्रथम छात्र छात्र हैं, मैं इनके अभिभावकगणों का भी और इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अभिलाषी विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस आपके ओरिएंटल टाइम के चैनल के माध्यम से समस्त जो प्रदेशवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को समय समय पर हमारा प्रोत्साहन किया। और हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हम दिन रात, हमारी जो टीम है वो पूरा प्रयासशील रहेगी और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगी।